अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज के नेतृत्व में हाथरस के ग्राम बोलगाड़ी थाना चंदापा की निवासी बहादुर संघर्षशील वाल्मीकि समाज की बिटिया कुमारी मनीषा वाल्मीकि की दर्दनाक हत्या से प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज में बहुत रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर एकत्रित होकर कुमारी मनीषा को लेकर एक शोक सभा आयोजित की। तत्पश्चात कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज ने कहा कि आज देश भर में जातिवाद ऊंच नीच कायम है, जिसका उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में निर्भया कांड में समस्त भारत के सभी धर्म व जाति के लोगों ने एकता का परिचय देते हुए दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसे न्याय दिलाया। उसी तरह हाथरस की दलित वाल्मीकि बेटी मनीषा वाल्मीकि पर हुए हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इंसानियत को शर्मसार कर दिया। संगठन कैंडल मार्च के माध्यम से बहादुर बेटी मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है व देश के महामहिम राष्ट्रपति व उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल से मांग करता है कि हाथरस प्रकरण की CBI जांच कराकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। इस मौके पर आशीष, गौरव, अंशुल, नरेश वाल्मीकि, संजीव वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, प्रेम वाल्मीकि, विकास, चुन्नूपाल, बादल, अशोक राही आदि लोग मौजूद थे। ये दिनांक 14 तारीख को सितंबर में ग्राम बुलगड़ी थाना चंदप्पा थाना क्षेत्र में एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में एक गैंग रेप की घटना, जो एक नरसंहार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के हिसाब से, उसमें उसकी जबान काटी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जो स्पाइन तोड़ी गई और 15 दिनों से उसका ट्रीटमेंट लगातार अलीगढ़ के ही हॉस्पिटल में चल रहा था, जो जिला अस्पताल है। फिर उसके बाद उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्पताल में उसको रेफर किया गया। उसके उपरांत 22 तारीख को उसको रेप अटेम्प्ट का टेस्ट कराया गया। इसके बाद फिर वो जो एम्स के लिए उनको रेफर किया गया, उसके बाद उनको केवल सफदरजंग में एडमिट किया गया। वहाँ रेफर करने के बाद भी एम्स में उसको रेफर नहीं किया गया। आज सुबह जब ये सूचना पूरे समाज में, पूरे देश में जैसे जैसे ये प्राप्त हुई कि उस बेटी की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी की हत्या का प्रयास सीधे सीधे प्रशासन हाथरस ने किया है, सीधे सीधे उन लोगों ने किया जिन्होंने आरोपियों को बचाने का, शह देने का, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हम लोग अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, इसमें जो ये पूरा प्रकरण है, जो इसमें उसकी हत्या की गई है, जो वहां से उसको रेफर करने के बाद एम्स के बजाय सफदरजंग में एडमिट कराया गया, तो उसमें हम CBI जांच की मांग करते हैं और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। वाल्मीकि समाज में ऐसा रोष व्याप्त है कि देश में प्रदेश में अब हम बस कुछ दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, आज हम लोग बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। अब हम लोग को देखना कि सरकार क्या करती है। अगर ये वास्तव में योगी की सरकार है तो उन आरोपियों को फांसी होगी, और अगर ये ढोंगी की सरकार है तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत इस सरकार की ईंट से ईंट बचाने में